Truth is something so noble that if God could turn aside from it, I could keep the truth and let God go. Truth is something so noble that if God could turn aside from it, I could keep the truth and let God go. गॉड को छोड़ दिया तो कोई नुकसान नहीं हो गया, सत्य को छोड़ दिया तो सब छोड़ दिया। जो गॉड है जिसको हम पकड़ के बैठे रहते हैं, वो हमारी अपनी कल्पना है, हमने ही उसको बनाया है। वो छूट भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं हो जाती है। इसीलिए कह रहे हैं कि इफ़ ही कुड टर्न असाइड फ्रॉम इट, पहली बात तो ये कि जो वास्तविक परम है वो सत्य से अलग हो नहीं सकता, और अगर अलग हो रहा है तो निश्चित रूप से वो असत्य है, काल्पनिक है। असत्य है, काल्पनिक है, तो उसको छोड़ ही देना बेहतर भी है। समझ रहे हो बात को? बात देख रहे हो कितनी क्रांतिकारी है? वो कह रहे हैं सच और ईश्वर में सच को चुनूंगा। ईश्वर को छोड़ने को तैयार है ये आदमी, और ये आज का नहीं है, भूलना मत ये किस समय में कह रहे हैं और कितने खतरों के बीच में। ये कोई इन्फ्लुएंस्ड आदमी नहीं है कि समाज में सभी आजकल इसी तरीके की विद्रोही बातें कर रहे हैं तो हमने भी सीख ली। उस समय ये अकेला था ऐसी बात कहने वाला, बिल्कुल अकेला, जो सच और ईश्वर के बीच में भी सच को चुन रहा है। इतनी बड़ी कीमत देने को तैयार है कि ईश्वर को भी छोड़ दूंगा, और हम तो दोस्तों को भी नहीं छोड़ पाते। अंतर बस यही है, उसको दिखाई दे रहा है कि सच है, तो कह रहा है सच इतना अमूल्य है कि उसके लिए ईश्वर को भी छोड़ दूंगा, तो फिर उसको सच मिल भी जाएगा। जो इतनी बड़ी कीमत दे रहा है उसे क्या नहीं मिलेगा। हमें सच दिख भी रहा होता है तो ईश्वर तो छोड़िए, आपके चाचा के मामा के फूफा के लड़के को भी आप नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अहंकार का मूल्य तो देना ही पड़ता है। जिसने वो दिया नहीं है और उसके बाद भी बैठ करके सच 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 चिल्ला रहा है, वो किसी सहानुभूति का पात्र नहीं है। फिर वो भले ही कितने ही गहरे सवाल क्यों न पूछे, उससे कुछ हो नहीं जाएगा। सवाल पूछने से आप सच के निकट नहीं जाते, आप सच के निकट जाते हो सच का मूल्य दे करके। सच का मूल्य होता है अहंकार। अहंकार गिराने को तैयार हो नहीं, सवाल पूछते रहो, चाहे 100 बार यहाँ बैठते रहो, क्या अंतर पड़ जाएगा? आपका गहरे से गहरा सवाल भी आपकी चतुराई ही दिखा रहा है। वो यही दिखा रहा है कि आप सवाल पूछने में कितने निष्णात हो गए हो, बड़ी निपुणता आ गई है शब्दों के साथ खेलने में, इतना ही दिखाई दे रहा है। सवाल से और कुछ नहीं सिद्ध होता, सवाल इंक्वायरी का द्योतक नहीं है। सवाल तो मन की खुराफात भी हो सकती है। पूछते रहो सवाल, पूछते रहो, क्या होता है। तो सवाल पूछना भी एक हद तक ही शोभा देता है, उसके आगे करना पड़ता है। कि जैसे पहाड़ी से कूदना हो तो थोड़ा बहुत ही शोभा देता है कि पूछ लें कि अच्छा क्या करूं, कैसे करूं, क्या पहन के कूदूं। और अगर कोई कूदने को तैयार ही ना हो और सवाल करे ही जा रहा हो, अच्छा फिर क्या होगा जब वहां होगा, और फिर यहां क्या होगा, अच्छा फिर कैसे होता है, नहीं इस स्थिति में क्या करना चाहिए, और अगर वैसा हो गया तो क्या करूं, तो इसका मतलब ये है कि कूदने में उसकी कोई रुचि है नहीं, कोई इरादा है नहीं, और सवाल वो पूछ ही इसीलिए रहा है ताकि कूदने से बचा जा सके। आपका अहंकार इतना राजनैतिक है, इतना चतुर है कि उसने सवालों को भी अपने संरक्षण का एक जरिया बना लिया। इतना जबरदस्त है आपका अहंकार, इतना पैना।
होता था क्लास में, कोई टीचर कहती थी कि समझा रही होती थी और फिर उसके बाद कहती थी कि अब तुम्हारी बारी है बोर्ड पर आके करो। तो इससे बचने के लिए कि बोर्ड पर करना पड़े, मैम ये कैसे हुआ, मैम ये एंगल कैसे आ गया, वो पीरियड निकल गया। मैं सवाल पूछने से मना नहीं कह कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ध्यान दिला रहा हूँ कि आप सवालों का इस्तेमाल भी किस लिए करते हो। और आप सवाल पूछने पर ही उतारू हो जाओ तो आखिरकार आप ऐसा सवाल पूछ ही लोगे जैसा कोई उत्तर होगा नहीं। और आप सिद्ध भी कर सकते हो कि भाई अभी मुझे उत्तर नहीं मिला इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, मेरे पास एक वाजिब वजह है रुके रहने की कि अभी उत्तर नहीं मिल रहे, उत्तर कोई मिलेगा भी नहीं कभी। जब प्रश्न पूछने का औचित्य ही यही है कि किसी तरीके का बस एक रोड़ा खड़ा कर दूँ, एक ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा करना है आगे बढ़ने से, तो फिर ठीक है। ये आदमी सवाल नहीं पूछ रहा है, ये सीधे कीमत अदा कर रहा है, ये कह रहा है लो दिया, सारी मान्यताएं दी और सारी मान्यताओं में जो सबसे ऊंची मान्यता है किसकी, वो भी दे दी, उसकी बलि भी चढ़ा दी। पूछने नहीं आया है कि डिस्काउंट मिलेगा क्या, 5% दे तो रहा हूँ, पूछने नहीं आया है या कि कितने दिन में सत्य मिल जाएगा, आज पेमेंट करा है गॉड का, सत्य कितने दिन में डिलीवर होगा, और 2 दिन होगा भी डिलीवर नहीं हुआ, कस्टमर केयर में कॉल करो फटाफट। इस मानसिकता का आदमी नहीं है ये। मजे की बात यह है कि गॉड की बलि चढ़ाने के लिए बड़ी गहरी आस्तिकता चाहिए। ईश्वर की बलि वही चढ़ा सकता है जिसमें परम सत्ता के प्रति, जिसका कोई नाम नहीं हो सकता, इसको ईश्वर कहना भी गलत होगा, ईश्वर की बलि वही चढ़ा सकता है जिसमें उस परम सत्ता के प्रति बड़ी गहरी श्रद्धा हो, बड़ी बड़ी गहरी श्रद्धा हो। बृहदारण्यक उपनिषद है, उसमें एक जिक्र आता है कि ऋषि से पहला व्यक्ति सवाल करता है कि कितने भगवान हैं, उत्तर देते हैं 10,000। फिर कुछ बात आगे चलती है, अच्छा कितने हैं, बोलते हैं 1,000। तो कितने हैं, 100। फिर बात आगे चलती आती है तब पूछते हैं अच्छा कितने हैं, कहते हैं 1। जिसको उस एक की तलाश हो उसको इन 10,000 को मारना ही पड़ेगा। टू कम टू गॉड यू विल हैव टू किल गॉड्स, टू कम टू दैट वन यू विल हैव टू किल द मेनी। शायद यही कारण था कि फिर मोहम्मद ने कहा कि जो पूरा फैला हुआ है कबीलाई पकनिज्म, हजारों देवी देवताओं की जो पूजा हो रही है ये नहीं चलेगा, क्योंकि एक तक आना है तो ये क्या तुम इधर उधर, दृष्टि यही थी कि उस तक पहुंचने के लिए इन छोटे छोटों की बलि देनी पड़ेगी, इनकी कीमत देनी पड़ेगी, सत्य तक पहुंचने के लिए असत्य की बलि तो देनी ही पड़ेगी, और सत्य तक पहुंचा जाता भी नहीं है। मजे की बात यह है कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो इतना ही है कि असत्य की बलि दे दीजिए, बाकी आप नहीं पहुंचोगे सत्य तक, बलि देना ही आपके बस में है और उतना ही आपको करना है और आप उतना करने को तैयार नहीं। बातें बस हैं बहुत सारी बड़ी बड़ी, जैसा कहा कीमत चुकाने को तैयार नहीं, बातें करने में बहुत आगे हैं, या लिखवा लो। छोटा मोटा दुकानदार भी जानता है कि आज नकद कल उधार, उसको ही पता होता है कि उधारी में कुछ नहीं रखा। अच्छा ग्राहक वही है जो नकद पेमेंट करे, और नकद का मतलब समझते हो क्या होता है, असली मूल्य अभी चुकाओ, असली मूल्य अभी चुकाओ। उधार माने बातें, उधार मतलब एक वादा कि कल दूंगा, और हम सिर्फ उधारी में जी रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पेमेंट तो उधार में करेंगे और सत्य असली मिल जाएगा, कीमत देंगे नकली और माल पाएंगे असली। इरादे ऐसे ही हैं, और ये इरादे तो चोर के होते हैं। अब मजे की बात है कि दिल है चोर का और पाना है सत्य को।
दिल तो है चोर का और पाना है सत्य को, दिल तो है जो कदम कदम पे कह रहा है कि सावधानियां रखो, कुछ ऊंची ऊंच नीच ना हो जाए। चारों तरफ से चौकन्ने रहो, उधर का भी पता करके रखो, ये भी रखो, एक के बाद एक बैकअप प्लान रेडी होने चाहिए। यहां से कूदो तो वहां जाओ, वहां से कूदेंगे तो यहां जाओ, यहां गड़बड़ हो जाएगी तो ये काम आ जाएगा। अपने आप को बेसहारा छोड़ करके एक कश्ती में सिर्फ श्रद्धा के भाव से सवार होने की तो हमारी नियत है ही नहीं। फिर दिक्कत है, ये आदमी मार कैसे नहीं डाला गया, यही बहुत बड़ा राज है। यह ऐसे ही बच गया कि लोगों ने कहा पागल है, पड़ा रहने तो बकरा है, कौन ध्यान दे। अगर इसको महत्व दे दिया गया होता तो फिर इसे मार भी डाला गया होता, ये बच ही ऐसे ही गया कि इसे महत्व ही नहीं दिया गया, नहीं तो मंसूर वाला ही हाल होता।